हिंगनगार पेट्रोल अटैक के आरोपी विकी नगराणे की खुदकुशी की खबर को सेंट्रल सेल के पुलिस अधीक्षक ने झूठा कहा। हिंगनगार के प्रोफेसर अंकिता पिसोड़े पर पेट्रोल फेंकने और उसे टॉर्चर करने वाला आरोपी विकी नगराणे ने नागपुर मध्यवर्ती कारागृह में कंबल के टुकड़े कर उसे फांसी लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। ये खबर गुरुवार को दिन भर शहर और हिंगनघाट में चली, मगर आखिरकार जेल अधीक्षक अनूप कुमरे ने इस खबर को अफवाह कहते हुए झूठी करा दी है। साथ ही ऐसी अफवाहों पर लोगों ने विश्वास न रखने को भी कहा है। आरोपी विकी नगराणे सेंट्रल जेल के सच्चा कारागृह में बंद है। ये कल जो मीडिया में जो बात आई कि जो बंदी है हिंगनघाट में जो हुआ, जो प्रकरण जो हुआ उसमें जो बंदी आया है और उसके बारे में जो कल चर्चा चली मीडिया के अंदर में, वो सरासर अफवाह है और कोई उसमें तथ्य नहीं था। हमारा प्रशासन सभी इस सुरक्षा के मामले में पूरे इंतजाम किए हुए, और वही नहीं तो अंदर में अंतर्गत सुरक्षा सब चौकस है और कोई इस बात की घटना हुई नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और सब सुरक्षित है, कुछ भी हुआ नहीं है और घटना ही हुई नहीं है, अफवाह है। नहीं, इस बारे में अभी मैं बाहर में मीडिया में कैसे पहुंची इस बारे में तो मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन मेरे यहाँ से भी कोई लीक हुआ होगा या फिर किसी ने कुछ बताया होगा तो इस बारे में हम जरूर जांच करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, INBCN न्यूज़।